हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिग कस्टमर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप GTA San Andreas 160 MB में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऐप लगी है, हमारा GTA San Andreas है, जो कि 160 MB में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये करीब 700 या 650 MB में आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि इसका हमने ग्राफिक्स काफ़ी हाई किया है, ये थोड़ा रुक के चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे कोड से यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, आपको आप देख सकते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कार दिया है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं सिंपल सा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन लुक है और काफ़ी हम फुल इसका ग्राफिक्स पे हम चला रहे हैं, यानी इसका जितना भी आप ब्राइटनेस सारे हमने फुल किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन पे ये आपका एप्लीकेशन, जो कि ये गेम है, काफ़ी अच्छे स्मूथली वर्क करेगा हर एक डिवाइस में। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलेशन अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, आप डिस्क्रिप्शन फॉलो करके डाउनलोड कर लीजिएगा RR फाइल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपने प्ले स्टोर पे। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, CPU Z। ठीक है, CPU Z इससे क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपकी जो CPU Render, ठीक है, ये आपको CPU Render यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ये CPU Render है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माली। ठीक है, अगर आपका PowerVR है या Android है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा माली है, तो हम यहाँ से कुछ जो आप अब इसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, हमने देख लिया हमारा सिस्टम माली है। ठीक है, उसके बाद आप अब जाएंगे जहाँ से आपने वो गेम डाउनलोड किया होगा RR फाइल। ठीक है, यूसीज करेंगे तो आप UC में आ जाएंगे। तो UC से अगर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें तो UC वर्क नहीं करता। ठीक है, तो आप क्रोम ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए हम GTA SA पे आ जाते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर हम टैप करेंगे और RR या Z Achieve। ठीक है, आप Z Achieve कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ओपन करेंगे, इसके बाद हम इस पर ऐसे टैप करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, बैक जाएंगे एंड्रॉयड डाटा। ठीक है, डाटा में आपको आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, देख सकते हैं आप, पासवर्ड है ये 2 3। ठीक है, ये पासवर्ड है, वेबसाइट का नेम है जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे उसी वेबसाइट का ये नाम है। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एग्जिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने पहले से एग्जिट किया हुआ है, तो मैं इसको ज़रा एस कर दे, सॉरी कैंसिल एस। ठीक है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, मैंने यहाँ से पहले से किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, com.rockstar यहाँ पे एक फोल्डर और आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से अगर बैक करेंगे तो इसके अंदर एक और GTA SA का होगा, आपको ये वाला कॉपी करना है। ठीक है, मैंने वो कॉपी कर दिया था। ठीक है, आपको ये वाला कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आपको डाटा में डाल देना है। ठीक है, सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है, APK, जो कि आपको नीचे APK भी मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको एप्लीकेशन रन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मतलब इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता। रन करा लेते हैं यहाँ से, अब हम अपने गेम को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो कि इसका साइज़ है, आप देख सकते हैं RR का साइज़ था 160, मतलब 160 MB का ये गेम है। ठीक है, ऑफलाइन पे प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा क्रैश कर गया। ठीक है, कभी कल क्रैश कर सकता है। ठीक है, लाइट वर्जन है, क्यों क्रैश किया है अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मेन सेटिंग पे। ठीक है, क्रैश किया है क्योंकि हमने कुछ एक चीज़ हमने नहीं किया। तो ठीक है, अब सिंपल सा आपको आना है अपने फाइल मैनेजर पे। ठीक है, कोई भी फाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट।
ठीक है, फाइल मैनेजर और जेड अचीव भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जेड अचीव से ही कर देता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड पे आइए, डाटा पे आइए, rockcom.rockstore पे आ जाइए। आपको कुछ करना था यहाँ पे, ठीक है, rockcom.rockstore पे आ जाइए, उसके बाद फाइल पे आ जाइए, ठीक है, टेक्स्ट एडिट में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चेंजेस करनी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड्रॉयड का, ठीक है, जो यहाँ पे सिस्टम रेंडर है वो हमारा माली है। ठीक है, तो माली है तो हमें यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करनी है। GTA 3 पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे रीनेम करना है हमें। ठीक है यहाँ पे रीनेम करना है, ये भी फाइल का रीनेम करना है। मेन्यू अगर आपका अगर क्रैश करता है तो बताएंगे भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोबाइल को भी हम करना है, प्लेयर छोड़ देंगे। ठीक है, टेक्स्ट टीवी को भी हमें रीनेम करना है। ठीक है, फटाफट जहाँ पे रीनेम दिया है, अगर आपका माली है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर माली रहेगा तो आपको रीनेम में क्या करना है, और पावर बियर होगा और एंड्रियो होगा तो आपको क्या करना है। तो नीचे स्क्रॉल जाइए, रीनेम कीजिए। ठीक है, रीनेम मेरा माली है तो मैं लिखूँगा ETC। ठीक है, हमको माली है तो मैं अपना ETC लिखूँगा। अगर आपका पावर बियर है तो आपको यहाँ से करना है PBR। ठीक है, पावर बियर एंड्रियो है तो DXT करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा ETC माली है तो सारा आपको जहाँ जहाँ रीनेम लिखा है आपको वहाँ, ठीक है, हमें करना है ETC। ठीक है, तो जल्दी हम कर लेते हैं ETC। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका, बैक चलते हैं, GTA.info पे आ जाते हैं, नीचे जाते हैं, ETC कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, ETC, ओके, ETC। ठीक है, अब इसके बाद अब मेन्यू पे आते हैं, मेन्यू पे देख लीजिए, यहाँ पे PBR लिखा है। ठीक है, PBR अगर आपका यहाँ पे भी सारी चीज़ें करने के बाद आप अगर मेन्यू छोड़ दीजिए। ठीक है, मोबाइल पे आते हैं, जितना भी अगर रीनेम है उसको अगर हम बस कर लेते हैं अपना अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग के सिस्टम अकॉर्डिंग की तरह कर लेते हैं, रीनेम जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आ जाते हैं रीनेम, और यहाँ से हम कर लेते हैं ETC। ठीक है, अब यहाँ मोबाइल हमने कर दिया, प्लेयर भी छोड़ देंगे, आप टेक्स्ट टीवी भी को आते हैं, लास्ट है रीनेम वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड कर लेते हैं जल्दी ठीक है, ETC। ठीक है, ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब हम गेम प्ले करेंगे, मतलब जो गेम है उसको हम प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो गेम प्ले कर रहे हैं अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, मतलब अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो जा रहा है, तो आप अगर आप चाहे तो अपने जो यहाँ पे मेन्यू और यहाँ पे जो आपका प्लेयर है, ठीक है, अगर आपका क्रैश करता है तो आप इसके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर माली में अगर क्रैश कर जाता है तो आप इसको ETC कर दीजिएगा, नहीं तो पावर VR पे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर माली होगा तो ऑटोमेटिक ये सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, PBR, ठीक है, वैसे ही ये सपोर्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करता है तो आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं PBR को, अगर आप अपने सिस्टम मतलब अपने सिस्टम रेंडर के अनुसार। ठीक है, एंड्रॉयड रेंडर। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहले स्टॉप हो गया था, ठीक है, क्रैश कर गया था। क्यों क्रैश किया था? क्योंकि हमने रीनेम नहीं किया था। अब हमने रीनेम कर दिया तो प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब गेम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सा है। आपको यहाँ पे स्टार्ट करके लोड गेम से ही खेलना है। ठीक है, लोड गेम से, न्यू गेम से नहीं खेलना है, लोड गेम से BMX यूज़ कर सकते हैं, BMX लोड। ठीक है, यूज़ करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा BMX लोड गेम से खेलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा गेम अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं गेम चल रहा है, ये काफ़ी बेहतरीन। ठीक है, चलिए हम इसे थोड़ा और थोड़ा बाहर ले चलते हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी यहाँ पे आपको टिप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ ठीक है, वर्कशॉप ठीक है, कार स्क्रैप ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं ठीक है। तो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं अच्छे से, ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा चैनल का लोगो इसके टी शर्ट पे, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि लाइट वर्जन है इसका, काफ़ी स्मॉल लाइट वर्जन है जो कि आपको मिल जाता है 160 में, ठीक है, 160 MB में आपको ये गेम मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है, यूजिंग काफ़ी स्मूथली है, ठीक है। होप्स आपको आज के वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय।